होप आप सब बंदे अच्छे गण। और फ्री फायर पे यहाँ पे न्यू इवेंट आ चुका है, जो हमारा एक मोको स्टोर आता है वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है। भाई मोको स्टोर हर किसी को पता है। सो आज के मोको स्टोर काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आज हमको काफी नए नए बंडल देखने को मिल रहा है गेम के अंदर मोको स्टोर पे। और अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ, पहले तो ये देख लो। तो ये जितने बंडल है काफ़ी तगड़े तगड़े हैं, ऐसा नहीं इनमें से कोई बेकार सा बंडल दे दिया गरीना वालों ने। देखो ये दो बंडल तो मेरे पे हैं मेल फीमेल का, ठीक है, सॉरी मेल मेल का है, और ये इसका फीमेल है और ये इसका फीमेल है। तो यहाँ पे गाइज आज के इस इवेंट पे हम इन्हीं बंडल को निकालने वाले हैं, देखने वाले कितना सारा डायमंड हमारा खर्च होता है। और हमारा बुया का जो बंडल आने वाला था, बुया जो बुया डे इवेंट चल रहा है उस पर जो हमारा बंडल मिलने वाला था हमको, वो बंडल यहाँ पे आ चुका है। तो आज के वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना, वीडियो को लाइक कर देना, यहाँ से चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना, कमेंट पर अपना यूआईडी जोर से देना ताकि डायमंड्स वगैरह विन कर पाओ। हे गाइस, गेमिंग क्रिएटर की बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है जिसका नाम है कॉस्टोफिट। अगर आप एक गेमिंग क्रिएटर है तो आप कुछ भी चीज़ सेल कर सकते हो, अपना वैल्यूएबल कंटेंट, अपनी वीडियोस, अपनी गेमिंग स्ट्रेटजी और काफी सारी चीजें लॉग फीचर के जरिए। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक की अपनी कम्युनिटी के लिए। नीचे दिए गए लॉग मैसेज को खोलिए और स्टैंड टू चांस 10K डायमंड्स ऑन फ्री फायर। फिर इंतजार किस बात का दोस्तों, अभी ₹11 देके अपने गिवे टिकट को अनलॉक कीजिए। आपको बस लिंक पे क्लिक करना है और किसी भी पेमेंट मेथड से ₹11 की पेमेंट करनी है। इसके बाद आपको एक टिकट मिल जाएगा जिससे आपकी गिवे में एंट्री हो जाएगी और फिर 100 विनर्स को मिलेगा अप टू 10K डायमंड जीतने का मौका। लिंक इन डिस्क्रिप्शन गाइस। तो गाइस यहाँ से बंडल हम सेलेक्ट करते हैं, सबसे पहले तो ये वाला बंडल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आ चुका है हमारा एक ग्लूअल का स्किन, ये देख सकते हो। इधर आपको ग्लूअल सेलेक्ट करना है, तो मेरे पे तो भाई ये वाला ग्लूअल नहीं है, बुया डे का ग्लूअल है। और यहाँ पे ये वाला एक ग्लूअल है हयातो का, तो ये वाला भी नहीं है, शायद ये टॉपअप पे आया था। तो अपन ये सेलेक्ट करेंगे, ये देखो ये एक ये सेलेक्ट कर लिया भुया डे का जो नया बंडल आया, भाई काफ़ी तगड़ा लग रहा है ये वाला। और इधर से अपना भुया डे का जो वॉल आया ये सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हमने कर दिया कंफर्म हम लोगों ने कर दिया। और यहाँ से हमको करना पड़ेगा स्पिन 9 डायमंड का। पहला स्पिन है, देखते हैं भाई क्या निकलता है 9 डायमंड पे। पहला स्पिन करते गाइस 9 डायमंड का, लो भाई 9 डायमंड का स्पिन कर दिया भाई साहब। यहाँ पे हम लोग को ये दिए हैं भाई, ये क्या भाई, क्यों देता है ये, इससे अच्छा कुछ दे दो ही ना भाई। अभी हम गाइस चलते हैं और करेक्टर चेंज कर लेते हैं, क्लू ले लेते हैं भाई, क्लू कैसा रहने वाला है देखते हैं गाइस। स्पिन करते हैं 19 डायमंड का, लेट्स गो। और इस बार हमको कुछ अच्छा नहीं मिला है, वापस कबाड़ कर दिया। वापस करेक्टर चेंज करते हैं, कैली ले लेते हैं भाई, कैली से ना बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, कैली से देखते हैं क्या होता है। 49 का हो चुका है, ओहो सो सैड लाइफ गाइस। 49 का स्पिन करते हैं और यहाँ पे सैड लाइफ के साथ साथ एक और सैड लाइफ। भाई यही सब देते रहेंगे फ्री फायर वाले हमको, ऐसा लग रहा है क्यों दे रहे हैं पता नहीं, बट यही सब देते रह जाएंगे ऐसा लग रहा है। अब हम कोई एक नया अच्छा सा करेक्टर लेते हैं जो हमको थोड़ा बहुत ऐसा एहसास दिलाए कि हाँ मैं लकी हूँ। चलो नल को ले लेते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे लक रॉयल पे चलते हैं, 99 का स्पिन करते हैं और लेट्स यहाँ पे क्या होता है। ये तीन आइटम है अपने पास, अब ये तीन आइटम बच के रह गए, इन तीन आइटम में से कोई एक आइटम हम लोगों को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए मतलब मिलना चाहिए, और देखते हैं भाई क्या मिलेगा। लेट्स गो, यहाँ पे करते हैं 99 का स्पिन, लो भाई साहब यहाँ पे कुछ नहीं देते भाई ये। अभी देखना 199 के स्पिन पे ये देंगे मेरे ख्याल से। एक बार एडम को ले लेते हैं, क्या पता एडम अपना लक दिखाए और हमको दिला दे। 199 का हो चुका है भाई, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि क्या करूँगा इस, क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, सच में समझ नहीं आ रहा है भाई। 199 का स्पिन करने पे ये मिलेगा, ये मिलेगा, पता नहीं क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा देखते हैं। 199 का किया स्पिन, लेट्स गो। और भाई हमारा बंडल निकल गया भाई, एडम काम कर गया सच में भाई, एडम काम कर गया भाई, ओपी ओपी गाइस ओपी, एडम काम कर गया भाई, एडम की जय हो, एडम की जय हो भाई, कलवा एडम जिंदाबाद, कलवा एडम जिंदाबाद गाइस। चलो यहाँ पे वॉल्ट पे चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा होने वाला ये बंडल। ये देखो भाई ऐसा होने वाला बंडल, काफी तगड़ा बंडल है, इफ निकालना चाहते हो देन निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। होप करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर सेट करना, इन कमेंट में योर जरूर से देना, कॉस्टोफिट को जरूर से जाके एक बार डाउनलोड करना क्योंकि गिवअवेज वगैरह चलती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।